हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जब चुभने लगो जमाने की नजर में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसा बिल्कुल भी मत बनना। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा देना। जो लोग सब्र करते हैं वह या तो जीत जाते हैं या सीख जाते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिलों में उगता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा, जिनके अंदर अपने लिए कोई अपनापन ही ना हो। कभी फुर्सत मिले तो सोचना जरूर, वक्त और प्यार के अलावा और मांगा ही क्या था हमने। मेरे जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। दुख सभी को होता है, पर दुख को दुख मानकर जो भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं उनके लिए दुख सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादे निभाता है और अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चार बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमान से सलाह लेना। जरूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो चाहने लगे हैं मुझे, खत्म नहीं हुआ। हम दोनों का रिश्ता वह अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया है। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। तेरी चौखट पर रख दिया है सर अपना भार, तुझे मेरा उठाना पड़ेगा। मैं भला हूं या बुरा हूं, हे कृष्ण मुझे अपनाना पड़ेगा। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई, मैं जब भी रोया मेरे कृष्ण को खबर हो गई। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदि नहीं होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपको ना पसंद करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जिसे हम समझ पाते हैं और दूसरा जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। इनमें बस इतना फर्क है कि कुछ इंसानियत के लिए जीते हैं और कुछ मतलब के लिए जीते हैं। जो मासूम लोग होते हैं वह गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसीलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए,
चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो, ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना, उम्र भी खर्च हुई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत एक बराबर लगती है। अब मर्जी आपकी है क्या आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हैं। किसी के साथ दूर तक जाओ और फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वह छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वह हमसे फायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहा हो। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। माना कि बेहतरीन नहीं है हम, लेकिन बात पर रंग बदले, इतने रंगीन भी नहीं है हम। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि खाली व्यक्ति सबसे दुखी रहता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अक्सर अपना कहने वाला दगा कर जाता है और मीठा बोलने वाले ही पीठ में खंजर को घुसाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। शायद गिद्ध भी कहीं चले गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है और उन्होंने देख लिया है कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। हमारी जरूरत नहीं है। यहां जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। औरों के लिए तो आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर। हमें कुछ भी ना मिला तो क्या होगा, तजुर्बा तो नया होगा। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिस पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। याद रखना, जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो। जो आपका अपना होगा वह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी।
इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। टे, जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना, यह बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। यह बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है, पतंग और जिंदगी में ऊंचाई में हो तब तक वाह वाह होती है। यह दुनिया सफेरों की बस्ती है, यह रिश्ते बनाकर डस्टी हैं। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। एक गांव में एक धोबी था, उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। धोबी ने कुत्ते को घर की रखवाले के लिए रखा था और गधे पर कपड़े ढोया करता था। धोबी इन दोनों को समय से खाना भी देता था। गधे को कुत्ते से जलन होती थी। गधा मन में सोचता था कि इस कुत्ते को तो बड़े आराम का काम है, खाना भी आराम से मिल जाता है, जबकि मैं दिन रात मेहनत करके अपना पेट नहीं भर पाता हूं। इससे तो अच्छा होगा मैं धोबी के घर से भाग जाऊं, फालतू में इतनी मेहनत यहां करनी पड़ती है। ऐसा सोचकर किसी दिन गधा धोबी के घर से भाग गया। अब गधा रास्ते में जिस भी खेत में घुसता, वहां के रखवाले उसे मारने के लिए दौड़ते। किसी ने भी उसे खेत में चरने के लिए घुसने नहीं दिया। गधे को रास्ते पर चलते हुए एक मरे हुए शेर की खाल मिल गई। गधे के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने उस खाल को ओढ़ लिया और खेतों की तरफ चल दिया। खेतों के रखवाले ने उसे शेर समझा और उसे डर कर भागने लगे। अब गधा मस्त होकर खेतों में चरने लगा। गधा मन ही मन अपनी चालाकी पर बड़ा खुश हो रहा था। उसे बिना काम किए खाना मुफ्त में मिल रहा था। इसी तरह वह कुछ दिनों में मोटा ताजा हो गया। एक दिन गधा किसी खेत पर चर रहा था, उससे कुछ दूरी पर किसी दूसरे गधे ने रेंगना शुरू कर दिया। गधा भी अपनी जाति भाई को देखकर मस्ती में जोर जोर से रेंगते हुए नाचने लगा। इससे उसके ऊपर की शेर की खाल कुछ खिसक गई। शेर से गधे की आवाज सुनकर ग्रामीणों को ताज्जुब हुआ, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि यह तो गधा है जिसने शेर की खाल ओढ़ रखी है। अब ग्रामीण लाठी लेकर आए। गधा तो अपनी मस्ती में मस्त था, तो उसे ग्रामीणों के आने का पता नहीं चला। अब गधे की पिटाई चालू हुई। ग्रामीणों ने उसे इतना पीटा कि उसको अधमरा कर दिया। कुछ देर बाद गधे को होश आया, वह अपनी भूल का पश्चाताप करने लगा। वापस लंगड़ाता हुआ धोबी के घर चला गया। बाहर कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने गधे की यह हालत देखकर पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? गधे ने अपनी सारी कहानी कुत्ते को सुनाई। कुत्ता बोला, केवल शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन सकता। शेर बनने के लिए हिम्मत, बहादुरी और उतना बल होना चाहिए। तुम्हें मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़ना है, कभी किसी को धोखा नहीं देना। इस संसार में मेहनत करके खाने वाला ही सुखी है। तुम भी मेहनत करके खाते तो तुम्हारी आज यह हालात नहीं होती। गधा कुत्ते की बात समझ चुका था, मेहनत करके खाने लगा। श्री कृष्ण के दरबार में दुनिया बदल जाती है, तेरी दया से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो दिल से श्री कृष्ण का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देखकर जाते थे, आज टूट गया, सब बचकर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। चाहा क्या है, बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला।
खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे, लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वह जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का दर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। माफ करना मेरी गलतियों को, तेरा यह भक्त अभी अनजान है, मुझे तो बस इतना पता है। मेरे कृष्ण, तेरा नाम तीनों लोकों में महान है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना, तुम्हें दुश्मनों से इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नजर रखना। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। जो दौलत हमारे अपने हमसे चाहते हैं वह पैसे नहीं है, वह है अपनापन, परवाह, आदर और थोड़ा सा समय। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है। किसी को सिर्फ इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि वह आपके बिना जीना ही सीख जाए। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद उसी का जंग नष्ट करता है। उसी तरह इंसान को उसका मन ही नष्ट कर सकता है, और कोई भी नहीं। मेरे अपनों ने ही धक्का मारा है मुझे डुबोने के लिए, फायदा यह हुआ कि मैं तैरना सीख गया। क्या फर्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है, बस जो साथ है वह लाजवाब है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितनी भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों खो दोगे। चलते चलते पता ही नहीं चला जिंदगी के सफर में कब अपने ख्वाबों से इतने दूर चले गए। जीते रहे जिन अपनों की खातिर, उम्र भर वक्त बदलते ही हाथ छोड़कर चले गए। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना, या रखें तारीफ के पुल के नीचे, मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली, यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है। दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती है, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं समझ की भी जरूरत होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है, और अब वक्त ने कहा लोग भी बदलते हैं। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो रिश्ते गहरे होते हैं वह अकेलेपन का शोर नहीं मचाते। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जीवन में अगर सम्मान चाहिए तो थोड़ा अहंकार तो रखना ही होगा। दुश्मन चाहे कितने भी क्यों ना हो, पर दोगला यार एक भी नहीं होना चाहिए। दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब से गुजर जाता है।
दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वह हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। जहां इज्जत और वक्त मांग कर मिले उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और कृष्ण को चाहने वाला निखर जाता है। कुछ खास लोग जिंदगी में ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे नहीं और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं कि जितने बनाए गए हैं। हम तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। मुझे इंतजार है, जिंदगी के आखिरी पन्ने का सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं, शांत होने से बिल्कुल कम, और सब्र करने से गायब हो जाती हैं। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ही एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं, इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वह हमारा फायदा उठा सकते हैं, वह जैसे चाहे हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। यह दुनिया इसीलिए बुरी नहीं कि यहां लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसीलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। छोड़ दी दुनिया की परवाह, जब से मैंने श्री कृष्ण को जाना है क्या करना है, इस मतलब ही दुनिया का, जब आखिरकार श्री कृष्ण के पास ही जाना है। मशीनों को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। आप किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो हमारे बीच से कब रिश्ते निकाल देता है पता ही नहीं चलता। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारी वजह से कितने खुश हैं। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, और असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो दिल में शिकवे और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं, वह हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंग मंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ, परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहां सुकून पाएगी? बैठो कभी, दो पल तन्हाइयों में खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए, लोगों के काम आते रहे। क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदली हैं उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा।
आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए, मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग जैसा चाहते थे आप वैसा नहीं करते हैं। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। कभी कभी खामोश हो जाना सही रहता है। कभी भी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। किसी ने पूछा, सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रहते हो? मैंने कहा, अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यही देखना चाहता हूं। गैरों पर कौन गौर करता है? बात जब भी चुभती है अपनों की ही चुभती है। हे कृष्ण, नहीं लगता दिल दिखावे की दुनिया में मुझे खुद में संभाले तू। या तो आ जा मेरे पास या मुझे अपने पास बुला ले तू। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। सफल होने के लिए सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो सफलता हाथ से निकल जाएगी और परेशानी बढ़ती जाएगी। इसलिए परिस्थिति जैसी भी हो, वर्तमान समय में ही सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। सफलता की कुंजी एक ऐसा चिराग है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन इसके लिए मेहनत, परिश्रम, धैर्य, बल, आत्मविश्वास जैसी कई चीजें व्यक्ति में होनी चाहिए। हमारे आसपास भी ऐसे कई सफल लोग होते हैं जिनके संघर्ष की कहानी पढ़कर हम जीवन में सफल बनने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन कुछ लोग सफल होने के लिए सही वक्त का इंतजार करते हैं और रुके रह जाते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस कहानी को जरूर सुने। एक व्यक्ति था जिसके जीवन में बचपन से ही समस्याएं थी। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई। व्यस्क होने के बाद जब उसका विवाह हुआ, तब जिम्मेदारियां और परेशानियों दोनों ओर अधिक बढ़ गई। इसी तरह उसके जीवन में परेशानियां लगी रहती। एक परेशानी के खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती। इससे परेशान होकर व्यक्ति एक दिन एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा। व्यक्ति ने संत से कहा, बाबा मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं जीवन से बहुत परेशान हो गया हूं और दुखी हूं। संत बोले, ठीक है, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। व्यक्ति ने कहा, बाबा मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। इस कारण मैं तनाव और दुखी रहता है और किसी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी परेशानियों का हल बताता हूं, तुम मेरे साथ चलो। संत उस व्यक्ति को लेकर एक नदी के पास पहुंचे। संत ने व्यक्ति को नदी के किनारे खड़ा कर दिया और बोले, हमें यह नदी पार करनी है। यह कहकर संत वहीं खड़े हो गए। व्यक्ति भी संत के साथ वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बाबा हमें नदी पार करनी है तो हम यहां क्यों खड़े हैं? संत ने कहा, हम नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब नदी सूख जाएगी तो हम इसे आसानी से पार कर सकते हैं। व्यक्ति बहुत आश्चर्य होकर बोला, बाबा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और न जाने कब सूखेगा, हमें नदी को इसी समय पार करना चाहिए। संत ने कहा, मैं भी तुम्हें यही समझाने के लिए यहां लाया हूं कि जीवन में समस्याएं तो आती ही रहेंगी, हमें रुकना नहीं चाहिए बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम उसे हल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। व्यक्ति को संत की बात समझ आ गई। उसने अपनी सोच बदली और उसी दिन निश्चय कर लिया कि परिस्थिति कैसी भी हो, समस्या कोई भी हो, उसका हल करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ना है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए सही समय या फिर परेशानी के खत्म होने का इंतजार न करें और बुरी परिस्थिति का रोना न रोएं। ऐसा करने से सफलता हाथ से निकल जाएगी और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता।
जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वह लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। झूठे दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना भी नहीं आता हो। कैसे अकेला रहा जाता है, कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि आजकल इंसान दिल से नहीं जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज्यादा वफादार मिल जाते हैं। बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, अच्छे किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई यह नहीं है कि इंसान बदल जाते हैं, सच तो यह है कि नकाब उतर जाते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे, तब इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। गलत व्यक्तियों का चयन हमें प्रभावित करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक सही व्यक्ति की उपेक्षा हमें जीवन भर सोचने को मजबूर कर सकती है। शहर में लोगों का धन बोलता है, गांवों में लोगों का मन बोलता है। जिंदगी की भागदौड़ में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने ना रूठ जाए। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रह जाता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, जिसे वक्त दो वह कद्र नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वह अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वह देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता, पढ़ने वाले भी समझदार होना चाहिए। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से बचना जरूरी है, क्योंकि यह इंसान को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। इन लोगों से हमेशा सतर्क रहना। पहला दोगले प्यार से,
दूसरा दुश्मन के दोस्त से, तीसरा सफर में अनजान इंसान से, और चौथा हमेशा तारीफ करने वालों से, पांचवा बात बात पर हंसने वालों से, छठा अचानक व्यवहार बदलने वाले उस इंसान से। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह तो सीधे सजा सुनाता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। जीवन का सच्चा साथी हमारा शरीर और आत्मा है, अगर यह साथ नहीं तो कोई पास नहीं। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है, उम्र भर किसी को अपना समझने एक वहम है। तेरी मोहब्बत से अच्छी तो तेरी यादें हैं, रुलाती तो हैं, पर हमेशा साथ रहती है। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होते देख चिंतित होने लगते हैं। भरोसा सभी पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी जीभ को काट लेते हैं। सभी फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं, जिसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है। सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर, नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते हैं, फिर भी वह अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, इनका सीधा सा अर्थ है आप उनसे दो कदम आगे हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना, वहां जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुजरो दिलों का काम है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े तक नहीं हो सकते। अक्सर उसी इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूलता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि आप अकेले ही काफी हो। साम्राज्य बनाने के लिए दिल से नहीं दिमाग से काम चलाना पड़ता है। कभी कभी जंग जीतने के लिए जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है, वफादारी मिलेगी। हर रिश्ते में जब बात होठों से नहीं नोटों से होगी। दिखावे के लिए अच्छा होना बुरा होने से भी बुरा होता है। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का यह दुनिया मजाक बना देती है। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला मुझे मुझसे बेहतर कोई और नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, यह महंगाई का द्वार है। अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखते हैं अपनों की माला में। जिसको पिरो गए, हम सच कहूं तो उनकी माला में सबसे बेकार मन के हम ही थे। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को वो कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। फायदा उठाना हो तो हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन तब तक नहीं जब कोई तकलीफ में हो। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि धागा एक बार टूटने के बाद जुड़ जरूर जाता है, लेकिन इसमें गांठें रह जाती हैं। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरतें तो हर कोई पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है, वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में आ जाते हैं, वह दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां
घर घर जाकर बर्तन मांझकर घर का गुजारा करती थी। वह लड़का अक्सर चुपचाप ही बैठा रहता था। एक दिन उसके टीचर ने उसे एक पत्र देते हुए कहा, तुम इसे अपनी मां को दे देना। उसकी मां उस पत्र को पढ़कर मन ही मन मुस्कुराने लगी। बेटे ने अपनी मां से पूछा, मां इस पत्र में क्या लिखा है? मां ने कहा, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दीजिए। लड़का खुश हो गया और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसके पास कुछ खास है। अगले ही दिन उसकी मां ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया। उस लड़के ने मन लगाकर पढ़ाई की और एक दिन अपनी मेहनत के दम पर बड़ी सफलता हासिल की। वह लड़का कोई और नहीं, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। मां बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। तभी अचानक उन्होंने अपनी मां की अलमारी खोली और उनके सामानों को देखने लगे। उनकी नजर एक पत्र पर पड़ी। ये वही पत्र था जो उसकी टीचर ने उसकी मां को देने के लिए दिया था। उस पत्र में लिखा था कि आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। जिस प्रकार पत्र पढ़कर आइंस्टीन की मां ने अपने बेटे की सोच बदल दी, ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी सोच बदल सकते हैं। खुद सोचिए कि वो लड़का तो वही था, फिर वो आइंस्टीन कैसे बना? सिर्फ अपनी सोच से। उन्होंने मान लिया कि वो खास है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। खुद के बारे में हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें। आपकी सफलता में इसका महत्वपूर्ण रोल है, बेहद खास है। इस बात को अपने दिलो दिमाग में गहरे से बिठा लें। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो यह बात याद रखिएगा। पहला, आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो, दिखाओ करके कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। ना कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा या ज्ञान। आपके दिमाग का खुराक है, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज देते रहे। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं।